गीर सोमनाथ ना उना में भड़काऊ भाषण बाद तोफान मामले फरियाद दाखल थई छे। भड़काऊ भाषण करने बदल काजल हिंदुस्तानी विरुद्ध एफआईआर दाखल थई छे। उना पोलिस स्टेशन में फरियाद नोंधाई छे। गत रात्रे भाषण ने लईने थयुं हतुं जूथ अथडामण। जूनागढ़ रेन्ज आईजी उना शहर की मुलाकाते आ समग्र मामले एसपी श्रीपाल सुषमा निवेदन सामे आव्युं। पोलीसे काजल हिंदुस्तानी विरुद्ध एफआईआर दाखल करी छे तेवुं एसपीए कह्युं हतुं। जूथ अथडामण में शामिल लोको सामे राउटिंग नो गुनो पण दाखल थयो छे। पत्थरमारानी आ घटना में बे व्यक्तिओने सामान्य इजा पहोंची छे। पोलीसे 70 थी वधु आरोपीओने राउंडअप कर्या छे। सीसीटीवी और ह्यूमन सर्वेलंस थी आरोपीओने राउंडअप कर्या छे। शहर में पोलीस नो चुस्त बंदोबस्त गोठवायो छे। हाल स्थिति काबू में होवानुं जणाव्युं हतुं। सर हमने दो एफआईआर ली है। एक तो जो काजल हिंदुस्तानी है जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था उनके अगेंस्ट पुलिस फरियाद ली है, और दूसरा जो ये राइटिंग वाला हुआ है जिसके अंदर काफ़ी बड़े बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, इसके अंदर हमने पुलिस की ही एफआईआर ली है और दोनों पक्षों से लगभग 50 से 60 लोगों को अब तक डिटेन किया है। बाकी जो सीसीटीवी फुटेज है वगैरह देख रहे हैं, बाकी लोकल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो भी इकट्ठी कर रहे हैं हम लोग, और जो डिटेन हुए हैं उनसे भी पूछताछ करके और आगे इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।